पर अगर आप इस फेथ से, विश्वास से, आज उस अधिकार से, उस समर से इस अधिकार को यूज करके ये आज बोल रहे हो, मैंने कहा बोल रहे हो तो ये हो रहा है आत्मिक रूप में। हर सोली का अंत हो रहा है, हर पत्थरी का अंत हो रहा है, हर बीमारी का अंत हो रहा है, हर नशे की दुष्ट आत्मा जा रही है, हर सांपों की, जादू की, टूने की, हर वो चीज जो शैतानी बेस से अपने खाई और खलाई गई है, आज इस आत्मिक रूप से, उस वचन के कानून से उसका मैंने कहा अंत हो रहा है। मैं घोषणा करता हूँ, आप गवाहियों को सुनोगे, आप खुदावंत के बड़े कामों को देखोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने भी इस प्रार्थना को विश्वास से सुने, मेरा निवेदन है कि इस प्रार्थना को अंत तक जरूर सुने, और इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। आमेन। अपने हाथों को उठाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और इन बातों को अंगीकार करो इन बातों का जो आपने आज सीखी और समझी है। मेरा विश्वास है कि खुदावंद इन वचनों से आपको बढ़ाएगा और आने वाले दिनों में, मैंने कहा आने वाले दिनों में, आप परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को, बड़े बड़े कामों को अपने जीवन से प्रकट होते हुए देखोगे। मैंने कहा बड़े बड़े चमत्कार को, बड़े बड़े कामों को प्रकट होते हुए आप देखोगे। अंगीकार करो इन बातों का, मैंने कहा अंगीकार करो, क्योंकि आप मसीह की देह और यीशु मसीह आपका सिर है। मैंने कहा वो आपका सिर है, लेकिन सब प्रकार के प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, ना केवल इस युग में, आने वाले युग में भी उसका नाम लिया जाएगा, बैठाया लिखा उसने यीशु मसीह को शरोमनी सिर बनने के लिए कलीसिया को दे दिया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। बाइबल कहती तुम उसकी देह हो जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, पूरा करता है। और लिखा हमने उसकी परिपूर्णता में से प्राप्त किया है कि अनुग्रह पर अनुग्रह हो। कब खुदावंत का अनुग्रह आप पर बढ़ता जाएगा? जैसे जैसे आप उसके अनुग्रह को समझकर प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल अपने जीवन से करोगे। जैसे पॉलस ने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। जब तक आप अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ नहीं समझोगे, तो वो पाप आपकी नश्वर देह में, नाशवान शरीर पर राज करता रहेगा। पर अगर आप समझ गए कौन सी नशे वाली दुष्ट आत्मा मेरे बेटे पर, मेरे पति पर, कौन सी बीमारी है जो मेरे शरीर पर प्रभुता कर रही है, तो बाइबल कहती है कि तुम्हें उसकी माफी दे मिल गई। कहता नहीं तो मसीह का अगर धार्मिकता व्यवस्था से होती तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ होता और आपका विश्वास करना व्यर्थ होता। पर अगर आपने इस सत्य को, सच्चाई को आज जान लिया, तो बाइबल कहती है कि उन प्रधानों पर, उन अधिकारियों पर जो शैतान अपने आप को अधिकारी समझता है, जिसने आपकी देह पर, आपके शरीर पर अधिकार जमाया है, बाइबल कहती है कि उस पर परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रकट किया जाए। तो आपने उस ज्ञान से, उस शास से, जैसे पॉलस कहता मैं अब जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, तो मैं केवल इस विश्वास से जीवित हूं जो उसके पुत्र पर है। अगर आपका विश्वास उसके पुत्र यीशु पर है, जो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों से जी उठा, उसने आपको भी जी उठाया है, बीमारी का, मैंने कहा रसौली का, पत्थरी का, गिल्टी का, बाबा सिर की बीमारी का, गिल्टियों का, दुष्ट आत्मा का,
आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, आप उस अधिकार के साथ उसे बोलो, डांटो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा डांटो 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 अपनी बीमारियों को, क्योंकि ये अधिकार खुदा ने आपको दे दिया है। जितने सर्वाइकल के रोगी हैं, जितने थायराइड के रोगी हैं, जिनको पीरियड की प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, जिनके कानों की प्रॉब्लम है, आंखों के रोगी, कानों के रोगी, सिर के रोगी, हड्डियों के रोगी, बवासीर के रोगी, बीपी के, शुगर के, जितने भी तरह की बीमारियों के रोगी हैं, डांटो यीशु मसीह के नाम से और उस अधिकार से बोलो शैतान को, उस बीमारी को बोलो निकल आउट, बोलो बोलो अधिकार के साथ, बोलो बोलो अधिकार के साथ बोलो। पौलुस कहता मैं अब जीवित ना रहा, मैं इस शांत से जीवित हूं जो उसके पुत्र यीशु पर है। डांटो डांटो डांटो, मैंने कहा तो उस अधिकार के साथ डांटो, बोलो उस पत्री को, उस सौली को, उस दुष्ट आत्मा को जो आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, बोलो निकल निकल मेरे शरीर से, मेरे अंगों से, मैं यीशु मसीह की देह हूं और मेरा सिर है, तू उसके पांव तले और मेरे भी पांव तले है। बोलो उस यीशु मसीह के नाम से, बोलो आज चल इस ज्ञान से, इस वचन से, मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, बोलो आउट, बोलो बोलो उसे आउट करो, निकालो उसे यीशु मसीह के नाम से, उस अधिकार के साथ जो खुदावंद ने आपको दे दिया है। ये अधिकार आपके साथ है, लिखा कलीसिया के द्वारा वो बिन प्रकार का परमेश्वर का ज्ञान उन शतान पर, उन अधिकारियों पर प्रकट करो जो आपके शरीर पर अधिकार जमा कर बैठा है, जो बोल रहा है, जो बोल रहा है कि तेरी सूजन, जो तेरे पांव में जो सूजन है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो कह रहा है नहीं जाएगी। पर खुदावंद का वचन कहता है उसका मरना व्यर्थ है और आपका शौंस करना व्यर्थ है अगर वो जाएगी नहीं है। आज बोलो हर जन, हर बंदा विश्वास के साथ बोलो, मैंने कहा विश्वास के साथ बोलो, जितने ऑनलाइन है बोलो डांटो यीशु मसीह के नाम से उन बीमारियों को, उस आत्माओं को, बोलो 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 अधिकार के साथ बोलो, बोलो 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 बोलो। माइग्रेन की बारी, बोलो टीवी की, शुगर की, बोलो पीले की, हर वो बीमारी जो उसकी ओर से नहीं है। बाइबल कहती कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, दुख उस परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये सारे शैतान की ओर से। डांटो 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 विश्वास के साथ, बोलो 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 विश्वास के साथ बोलो। बोलो बोलो उस नशे की दुष्ट आत्मा को जो आपके पति के, आपके बच्चों के जीवन में, बोलो उसे आज, उस अधिकार के साथ जो आज अपने इस वचन के साथ मसीह में पाया है, प्राप्त किया, लेकिन हमने उसकी परिपूर्णता में से प्राप्त किया है कि अनुग्रह पर अनुग्रह हो। मैंने कहा अनुग्रह पर अनुग्रह हो। आज उस नशे की दुष्ट आत्मा को जो आपके बच्चों के, आपके हस्बैंड, आपके पति के जीवन में वो अधिकार बनाकर बैठी है, आप अपने अधिकार से बोलो मेरे बच्चे के, मेरे पति के जीवन से जाने के लिए आज्ञा करो, बोलो 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 बोलो। ये आत्मिक कानून है, मैंने कहा ये आत्मिक कानून है, ये होगा ये होगा ये होगा, विश्वास से होगा। मैंने कहा जो जैसे पौलुस कहता मैं अब जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, मैं केवल उस शांत से जीवित हूं जो उसके पुत्र यीशु पर है। एक राजा का राज कर्मचारी यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा प्रभु जल्दी चल, मेरे पुत्र की मृत्यु होने से, उसकी मौत होने से पहले मेरे साथ चल।
तो यीशु मसीह ने उसे वचन दिया, जा तेरा पुत्र जीवित है। लिखा वो उस वचन को विश्वास से लेकर गया। जब ये वचन यीशु मसीह के मुंह से निकला तो लिखा उसी घड़ी उसका पुत्र जो बहुत बीमार था और मरने वाला था वो चंगा होना शुरू हो गया और वो पूरी तरह से हील हो गया, चंगा हो गया। ये आत्मिक कानून है। अगर तुम शरीर में है तो वो वचन जो आत्मिक वचन का कानून का वचन है वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। पर अगर आप इस फेथ से, विश्वास से, आज उस अधिकार से, उस सामर्थ्य से, इस अधिकार को यूज करके ये आज बोल रहे हो, मैंने कहा बोल रहे हो तो ये हो रहा है। ये हो रहा है आत्मिक रूप में। हर सोली का अंत हो रहा है, हर पत्थरी का अंत हो रहा है, हर बीमारी का अंत हो रहा है, हर नशे की दुष्ट आत्मा जा रही है, हर सांपों की, जादू की, टूने की, हर वो चीज जो शैतानी मेज से अपने खाई और खलाई गई है, आज इस आत्मिक रूप से, उस वचन के कानून से उसका मैंने कहा अंत हो रहा है। मैं घोषणा करता हूं, आप गवाहियों को सुनोगे, आप खुदावंद के बड़े कामों को देखोगे। मैंने कहा आप देखोगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आप पूरे होते हुए देखोगे। आप इन कामों को अपने जीवन से, मैंने कहा पूरे होते हुए देखोगे। ये होगा, ये 100% होगा। मैंने कहा हर 100% होगा, 100% होगा, 100% होगा। अगर आप डर रहे हो तो परमेश्वर ने कहा डरो नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो अपने लोगों को एक बल्दी हुई आंखचों में बचान दी शक्ति रखता है। जैसे उसने शद्रक मेशक को नबूकदनेस्सर के उस पट्टे, चलते हुए पट्टे से बचाया, आज वो परमेश्वर आपको भी बचाने की शक्ति रखता है, वो आपको भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। पर अगर आप अपने जीवन को अर्पण नहीं करोगे, सौंपोगे नहीं और अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करोगे और शास से नहीं बोलोगे, अगर आप ये आज अधिकार समझ चुके हो मसीह में तो बोलो, बोलो, बोलो। अगर किसी की बॉडी पर जख्म है उसे अधिकार के साथ बोलो, मैं यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह मेरा सिर है। बोलो उस बीमारी को, बोलो उस इन्फेक्शन को जो आपके जख्म में है, आपके पेट में है, बोलो, बोलो। मैंने कहा बोलो, घोषणा करो इस बात की यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा घोषणा करो, ये होने वाला है। आप परमेश्वर के बड़े कामों को, बड़े रिजल्ट को देखने वाले हो। मैंने कहा ये होने वाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस और रियल आपसे ये आज बात कर रहा हूं। मैंने कहा कुछ भी बीमारी आपके मुंह के क्यों नहीं है, आपकी कैसी भी आज प्रॉब्लम क्यों नहीं है, आज घोषणा करो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा अपनी बीमारियों पर घोषणा करो, अधिकार के साथ घोषणा करो। बोलो, 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 बोलो। हड्डियों के रोगी, बोलो, बोलो, बोलो। घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो। शैतान के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो उस जख्म को सूखने के लिए, उस इन्फेक्शन को जाने के लिए कि तुम पांव के नीचे है, यीशु मसीह मेरा सिर है, मैं उसकी देह हूं। बोलो उस बीमारी को, तू मेरे पांव के नीचे। बोलो उस दुष्ट आत्मा को, तू मेरे पांव के नीचे। बोलो, 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 आज बोलो, आज अब जो भी विश्वास से घोषणा करके चाहोगे, ये खुदाबंद सारे कामों का रिजल्ट आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा सारे कामों का रिजल्ट देगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा सब कामों का वो रिजल्ट देगा। मैंने कहा सब कामों का रिजल्ट देगा, सब कामों का जो शैतान ने अपनी चुगती के साथ आपकी चीजों को रोका है, बांधा है, और हर आज वो बंधन खुलेगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा हर वो बंधन आज खुलेगा यीशु मसीह के नाम से। हर वो बंधन खुलेगा, हर वो बंधन खुलेगा, हर वो कर्जे की आत्मा जाएगी, हर वो नशे की जाएगी। मैंने कहा हर जाएगी, हर वो चाहे व्यभिचार की है, चाहे सांपों की है, चाहे आपको बुरे सपनों में आकर शैतान आपके जीवन के सपने में आकर अटैक करता, वो आज इस अधिकार के साथ जाएगा।
आप बोलो और विश्वास करो। मैंने कहा आप बोलो और जो विश्वास करो, ये होने वाला है। मेरा विश्वास है आज, आज की मीटिंग आपको सेम नहीं रहने देगी। अगर आप घोषणा कर रहे और कर चुके हो हर चीज के ऊपर, चाहे आपका हड्डियों का रोग है, आपके पेट का है, आपके जख्म का है, आपकी बॉडी में इंफेक्शन है, आपकी बॉडी पर जख्म उसमें है, कैसा भी क्यों नहीं है, आज सब वो काम यीशु मसीह के नाम से पूरा हो चुके हैं। मैंने कहा वो सब हो चुके हैं, सब हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो कि जो मैंने घोषणा की है यीशु मसीह ऐसा हो चुका है तेरे नाम से। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और सच में ऐसा हो चुका है, ये आत्मिक कानून है। बोलो क्या है? ये हो चुका है, सबके लिए हो चुका है। बोलो क्या है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये हो चुका है? हाँ, बोलो क्या है? ये सच में आज हो चुका है।